बहुत समय पहले राजा भोज उज्जैन नगर पर राज्य करते थे। राजा भोज के शासनकाल में प्रत्येक व्यक्ति संपन्न और सुखी था। एक दिन राजा भोज को मालूम हुआ कि उसके राज्य में एक साधारण सा चरवाहा अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात है, जबकि वह बिल्कुल अनपढ़ है तथा पुश्तैनी रूप से उसके ही राज्य के कुम्हारों के गाय, भैंसे और बकरियां चराता है। जब राजा भोज ने तहकीकात कराई तो पता चला कि वह चरवाहा सारे फैसले एक टीले पर चढ़कर करता है। राजा भोज की जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने खुद भेष बदलकर उस चरवाहे को एक जटिल मामले का फैसला करते देखा। उसके फैसले और आत्मविश्वास से भोज इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उससे उसकी इस अद्वितीय क्षमता के बारे में जानना चाहा। चरवाहे का नाम चंद्रभान था। उसने राजा को बताया कि उसमें यह शक्ति टीले पर बैठने के बाद स्वतः चली आती है। भोज ने सोच विचार कर टीले को खुदवा कर देखने का फैसला किया। जब खुदाई संपन्न हुई तो एक राज सिंहासन मिट्टी में दबा दिखा। यह सिंहासन कारीगरी का अभूतपूर्व रूप प्रस्तुत करता था। इसमें 32 पुतलियां लगी थी तथा कीमती रत्न जड़े हुए थे। जब धूल मिट्टी की सफाई हुई तो सिंहासन की सुंदरता देखते बनती थी। उसे उठाकर महल लाया गया तथा शुभ मुहूर्त में राजा का बैठना निश्चित किया गया। जो ही राजा ने बैठने का प्रयास किया, सारी पुतलियां राजा का उपहास करने लगी। खिलखिलाने का कारण पूछने पर वह पुतलियां बोली कि यह सिंहासन राजा विक्रमादित्य का है और उस पर बैठने वाला उसकी तरह योग्य, पराक्रमी, दानवीर तथा विवेकशील होना चाहिए। अगर तुम इस योग्य हो तो तभी तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। यह सुनकर राजा भोज ने पुतलियों से प्रार्थना की कि वह विक्रमादित्य के बारे में उसे बताएं। राजा भोज की प्रार्थना पर सिंहासन से एक पुतली निकली और हवा में मंडराती हुई बोली, मेरा नाम रतन मंजरी है। आगे की सिंहासन 32 की कहानी मेरे अगले भाग में सुनिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।